क्वेश्चन नंबर आज 10 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व होगा। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामान से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे। देखिए यहाँ व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रहा है। अब बोला ट्रेन की लंबाई 240 मीटर, जो व्यक्ति के पार किया होगा सीन इस तरह से रहा होगा, सीन इस तरह से रहा होगा। लेकिन यहाँ बोला व्यक्ति भी चल ही रहा है, व्यक्ति भी चल ही रहा है और ट्रेन भी चल ही रहा है। व्यक्ति की लंबाई तो इसमें नहीं जुटेगा लेकिन चाल तो उसमें अधिक होगा। अगर एक साथ एक दिशा में होगा तो चाल घटेगा, अभी दिशा में होगा चाल जुटेगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है? जितना ट्रेन की लंबाई है उतना ही ना, जितना ट्रेन की लंबाई है उतना ही ना, 240 मीटर है दूरी। अब बटा में समय है, दस सेकेंड हो गया। देखिए दूरी बटा समय चाल हो गया, चालीस में दिया भी है, चाल निकलना नहीं है, चाल एक का चाल निकलना है। तो ट्रेन की चाल मान लेते हैं क्या, कितना मान दे, एस किलोमीटर प्रति घंटा, एस किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल मान लेंगे। अब बोला है कि व्यक्ति की जो चाल है ना वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में तो चाल जुटे की घटेगा, जुटेगा तो एस प्लस 3000 का चाल, ये हो गया चाल, दोनों का चाल, आई हो गया दोनों के दूरी, दूरी बटा समय चाल हो गया, इधर भी चाल, दोनों चाल बराबर। लेकिन इधर मीटर प्रति सेकंड में, देखिए मीटर में है इस सेकंड में है, मीटर में है इस सेकंड में है, इधर भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए तो 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। अब देखिए काट दीजिए, आप काटिएगा तो 1-0 से 1-0 कट जाएगा। अब देखिए अब इधर गुना कीजिएगा, 18 तो उधर चल जाएगा, 18 उधर चला जाएगा भाग में है, गुना चल जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 5s प्लस 5 3 15 हो जाएगा बराबर, ये 18 में 24 से गुना हो जाएगा, 18 जो के 72 के 2 हासिल 7, 18 दूने 36 7 42 42 कितना, हाँ 43 36 7 43 36 7 43 अब देखिए 15 जाके उधर घट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 5s बच जाएगा, इधर बच जाएगा 15 जाके घट जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 12 में से 5 किया 7, 117, अब s बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में 417 बटा में 5, तो 5 से भाग देना है तो ऊपर में 2 से गुना करके दशमलव की कीमत भैया देंगे, 7 × 2 = 14, 1 × 2 = 3, 4 × 8 दशमलव, यहाँ यानी कि s का वैल्यू है 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल माने थे हम, ठीक है। आपका आंसर जो आया 83.4 जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अच्छा व्यक्ति के पार करेगा इसका मतलब है रेलगाड़ी खुद की लंबाई के पार करेगा, आदमी दौड़ रहा है तो चाल में परिवर्तन हो सकता है, एक समान में होगा तो चाल घटेगा, देखिए यह बोला एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो आपको पता नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता नहीं है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, एक व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाए। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ बोल रहा है
उसी दिशा में मतलब सेमे दिशा में जा रहा है, चाल घटेगा कि छूटेगा? चाल घटेगा, घटेगा। एक ट्रेन की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 माइनस 15 हो जाएगा कि नहीं? किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना कर दिए। इधर क्या हो गया, दूरी हो गया कि नहीं, चाल हो गया, चाल अगुने समय कर देंगे। कितना समय पार कर गया है? 48 सेकंड में पार कर गया है। 48 से गुना कर दिए, चाल गुने समय दूरी हो गया कि नहीं? मतलब किसके किसके दूरी, सिर्फ ट्रेन की दूरी, आदमी की दूरी थी, इसमें सोच जाता है इधर बराबर ट्रेन की दूरी लिखती है, बराबर टी लिखती है, मतलब टी मतलब ट्रेन की दूरी, इधर भी ट्रेन की दूरी, इधर भी ट्रेन की दूरी, ठीक है? कि दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल का अनुपात 3:4 के अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे के पार कर जाएगी? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि दो रेलगाड़ी है जिसका चाल का अनुपात दिया है 3:4 और दोनों गाड़ी एक खंभा को 3 सेकंड में पार कर दे रहा है, यह 3 सेकंड में पार कर दे रहा है और दूसरा रेलगाड़ी वह 3 सेकंड में पार कर दे रहा है। तो पूछा है कि ये दोनों ट्रेन, ये दोनों ट्रेन आपस में कितने समय में पार कर जाएगा, मतलब ये ट्रेन इस ट्रेन को चाहे इस ट्रेन को कितना समय में पार कर जाएगा? ये याद रखिएगा, हमेशा इसका आंसर जितना रहेगा उतना ही देती रहता है, 3 आंसर आएगा। कितना समय में पार कर जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 सेकंड में पार कर जाएगा। बोलेगा कि एक खंभा को दो ट्रेन है, 4 सेकंड प्रत्येक रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर देता है, तो आपस में दोनों के दोनों रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगा? 4 सेकंड, 5 सेकंड पार कर देता है, तो 5 सेकंड। हमेशा 3 ही अंतर रहता है, मतलब जितना डिजिट रहे, मतलब जितना डिजिट रहे वही तो दीजिएगा। लेकिन हम बना के बता दे रहे हैं आपको, दो रेलगाड़ी है, 4 का अनुपात दिया हुआ है, 4 ये पहला रेलगाड़ी है और ये दूसरा रेलगाड़ी है, 4 का अनुपात दिया हुआ है 3:4, समय का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया हुआ है, यो 3 सेकंड में पार कर देता है, यो 3 सेकंड में पार कर देता है, तो चाल गुने समय क्या होता है, दूरी होता है, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है? यहाँ से आप दूरी नहीं निकाल सकते हैं, समय भी पता है, चाल भी पता है, 3 + 9 दूरी हो गया, इसका 3 × 12 दूरी हो गया। तो ट्रेन जब पार करेगा, ट्रेन इधर से जा रहा है, ट्रेन है मान लीजिए विपरीत से वो दिशा में है, एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों के दूरी जुटेगा कि नहीं? दोनों के दूरी कितना हो गया, 12 × 9 = 21 हो गया कि नहीं दूरी? चाल, तो चाल दोनों विपरीत दिशा में है, तो चाल जुटेगा कि घटेगा? जुट जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला होगा, बोला है विपरीत दिशा में बोला है, विपरीत चाल जुटता है, चाल जुटता है, चाल कितना है, 7 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कट गया, 7 से 3 बार में कट गया, 3 से 3 सेकंड आंसर आ गया, 3 जितना दिया उतना ही आंसर आ जाता है, ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 24 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कहता है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ दोनों गाड़ी की लंबाई सेम है, मतलब सामान्य लंबाई की दोनों रेलगाड़ी है,
किसी एक को लंबाई निकालिएगा, दूसरा का लंबाई उतना ही है, निकल जाएगा। देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो एक जा रहा है दोनों एक के दिशा में, एक जा रहा है 56 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और एक जा रहा है 46 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाता है। तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या ज्ञात करें, लेकिन एक है धीमी गति वाला और एक है तेज गति वाला। लेकिन दो रेलगाड़ी है, एक दोनों रेलगाड़ी एक के समान दिशा में जा रहा है, एक का चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, 46 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। एक के दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा कि नहीं, चाल घटेगा। चाल घटेगा तो 56 और 46 में अंतर कितना, 10 का। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया और दोनों को पार कर दिया है कितना समय में, 36 सेकंड में पार कर दिया है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली को 36 सेकंड में पार कर दिया है, गुने 36 कर देंगे, चाल गुने समय दूरी हो गया। लेकिन इसमें दोनों के दूरी आया, एक वो ट्रेन P1 मान लेते हैं, दूसरा को मान लेते हैं T2, जिसका धीमे गति वाली के चाल ई है, T2 धीमे गति वाली है और T1 जो है तेज रफ्तार वाली है, ठीक है। लेकिन लंबाई तो दोनों के समान है, इसलिए जब TA मानिए, ठीक है, इसमें धीमी और सीमी सब मिल गया। इसमें इधर 18 × 36, 5 × 10, 10 × 5 100 मीटर, इधर है T2T, क्योंकि लंबाई तो समान है दोनों के, तो एक लंबाई T माने है तो दूसरों को T मानना पड़ेगा, भले एक का चाल कम है लेकिन लंबाई तो दोनों का समान ही ना है। T बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 यानी कि 50, T के लंबाई कितना है, T माने तो ट्रेन की दूरी, दूरी है 50 मीटर, यानी प्रत्येक की लंबाई कितना है 50 मीटर है, दोनों रेलगाड़ी समान है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन में कितना होगा, 25 होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कल ही ट्रिक बताए थे बनाने के लिए, जब दो को दूरी दे या दो को चाल दे, हम डायरेक्ट ट्रिक से ही बनाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, हटा देंगे। यहाँ 96 मीटर लंबी को पार कर रहा है कितना, 12 सेकंड में, और 141 मीटर को पार कर रहा है 15 सेकंड में। इधर देख लीजिए दूरी में अंतर कितना है, समय में अंतर कितना है, दूरी में अंतर कितना, दूरी में 45, 45 दूरी में अंतर हुआ, इस दोनों में अंतर देख लेना है 45, इधर अंतर कितना समय में, 3 सेकंड के अंतर। चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा समय होता है चाल, लेकिन इसमें दूरियों पूछ दिया है और चालो पूछ दिया है, चाल के लिए VVI ट्रिक है। चाल निकलना है तो 45 है और समय है 3 सेकंड, दूरी बटा समय चाल हो गया, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं है, चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसको 18/5 से गुना कर दीजिए, तो 3 से कर जाएगा 15 बार में, 5 से कर जाएगा 3 बार में, 18 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे ट्रेन की लंबाई भी पूछा है, तो याद कीजिए जब ट्रेन दोनों प्लेटफार्म को पार किया है, तो प्लेटफार्म को पार किया होगा तो ट्रेन अपनी और उस प्लेटफार्म की लंबाई के योग के पार किया होगा, हम उसका लंबाई निकालते हैं। देखिए अब इसका ट्रेन की लंबाई निकालते हैं, तो ट्रेन की लंबाई पता नहीं है तो टी मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई टी मान लेते हैं और प्लेटफार्म की लंबाई हमको पता है 96 मीटर, इसी से निकाल रहे हैं, चाहे अब जिससे निकाल सकते हैं, इधर ट्रेन की लंबाई हो गया, इधर दोनों की लंबाई हो गया, दोनों की लंबाई की योग और दोनों की लंबाई की चाल से 15 मीटर प्रति सेकंड, कहीं 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड होता है, 15 मीटर प्रति सेकंड होता है, 18 × 54 तो 5 × 15 तो 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, क्योंकि मीटर में ना होगा दूरी, तो 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 12 मिनट तक चल रहा है, तो 12 से गुना कर दिए, चाल गुने समय दूरी हो गया, इधर ही दोनों की दूरी, इधर ही दोनों की दूरी, इधर टी बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15/180 होता है, ठीक है, माइनस में उधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 96,
ठीक है, छियानवे टी बराबर क्या हो जाएगा, छियानवे चार चौरासी हो जाएगा, चौरासी मीटर। टी माने तो ट्रेन की लंबाई, टी का माने चौरासी मीटर, तो आपका आंसर जो होगा चौरासी मीटर और चौवन किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ट्रेन की लंबाई है चौरासी मीटर और चाल है चौवन किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन में कितना होगा, छब्बीस नंबर क्वेश्चन। छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, मतलब दोनों मालगाड़ी जो है ना 5500 मीटर के, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर पार कर जाएगा, दूसरी गाड़ी को चालक के कितने देर पार कर जाएगा। चालक के पार कर रहा है तो चालक तो बैठा हुआ है ट्रेन में, ट्रेन में हाँक रहा है तो ट्रेन में लंबाइया जुटेगा, क्योंकि व्यक्ति की लंबाइया जुट जाएगा। बुलाने के लिए आपको दे दिया है कि चालक को पार किया है, चालक को कैसे पार, ये गाड़ी दौड़ रहा है, ये गाड़ी दौड़ रहा है, खाली चल के थोड़े पार कर रहा है कि पूरे ट्रेन में पार कर रहा है। तो एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा है, एक ट्रेन ही हो गया ट्रेन और एक ट्रेन ये हो गया, दोनों की लंबाई समान है 500 मीटर है, ठीक है। इसका भी लंबाई 500 मीटर है, इसका भी लंबाई 500 मीटर है, लेकिन ड्राइवर को पार किया है, ड्राइवर ट्रेन में बैठा है। अच्छा पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि कितनी देर में पार कर जाएगी, समय पूछा है, पार करने में लगा समय, मतलब क्रॉसिंग करने में लगा समय, रिलेटिव डिस्टेंस बता, रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम डायरेक्ट सी समय लिखते हैं, समय मतलब क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय चाहे समय लिखते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चार, दूरी कितना हो जाएगा 500 1000 हो जाएगा, समझ गया कि नहीं, दूरी रिलेटिव डिस्टेंस हो गया और बटा में चार, मतलब ये इधर आए इधर से इधर आए इधर से, चार जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। एक का चाल दिया है कितना, एक का चाल दिया है 45 और एक का चाल दिया है 30, 45 से 30 इसका है 75, इसका है 45 और इसका है 30, दोनों में जोड़े कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा में ऊपर मीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 हम ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 40 वर्ग में, 5/8 40, 3/6 18, 8/6 48 सेकेंड में, यानी 48 सेकेंड में पार कर जाएगा एक दूसरे को, जो आपका ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दूसरे को एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार करती है, तथा एक दूसरे को मतलब ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाती है, इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों गाड़ी के चाल का अनुपात क्या होगा। तो चाल तो आपको पता नहीं है, दोनों के चाल तो पूछे किया है अनुपात में, तो चाल मान लीजिए आप यहाँ पे चाल मान लीजिए एओ का मान लीजिए S1 चाल और दूसरा का मान लीजिए S2 चाल, मान लिए कि चाल का अनुपात हो गया, ठीक है। हम अपना समाने हैं कि पहली गाड़ी के और दूसरी गाड़ी के चाल हम मान लिए हैं S1 और S2, लेकिन समय दिया है इसमें कि दोनों पार कर रहा है, पहली गाड़ी जो है ना 27 सेकेंड में पार कर दे रहा है इसको, ठीक है, एक व्यक्ति को, और दूसरा गाड़ी जो है 17 सेकेंड में व्यक्ति को पार कर जा रहा है, इसका लंबाई कम होगा तब जल्दी पार कर रहा है। तो आप दूरी बराबर जानते हैं चाल गुने समय होता है, आप यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, दूरी चाल गुने समय, चाल दिया है समय दिया है, 27 S1 हो जाएगा, यहाँ 27 S1 चाल हो गया, यहाँ 17 S2 दूरी हो गया, यह दूरी हो गया, ठीक है, दूरी हो गया, दोनों का दूरी हो गया कि नहीं, दोनों की दूरी हो गया। अब बोला है कि विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा कि घटेगा, दोनों की दूरी हो गया कि नहीं, सुनिए बहनी, दोनों ट्रेन की दूरी हो गया कि नहीं, चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, टोटल दूरी हो गई दोनों ट्रेन की, और दोनों ट्रेन की दूरी ए हो गई, चाल गुना समय दूरी होता है, ए हो गया चाल है S1, ए हो गया चाल है S2, इधर जो विपरीत दिशा में तो चाल जुट जाएगा, चाल जुट गया कि नहीं,
चाल अगुने समय बोला ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर देता है, तो यहाँ 23 सेकंड लिख दिए। चाल गुने समय दूरी, इधर भी टोटल दूरी है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कीजिएगा 27 एस वन प्लस 17 एस टू बराबर, इधर 23 से गुना होगा 23 एस वन प्लस 23 एस टू हो जाएगा। तो एस वन एक तरफ कर लीजिए, एस टू एक तरफ कर दीजिए, 23 को एस वन प्लस में है, इधर का तो माइनस में, पहले से 27 को एस वन पहले से है प्लस में, 27 को में से 23 को घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 को एस वन बचेगा बराबर, 17 को प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 23 को में से 17 घट जाएगा 6 को एस टू बचेगा, कर जाएगा तीन बार में, कर जाएगा दो बार, दूसरे का टाइम दूंगा। एस वन अनुपात एस टू, इसका मतलब वैल्यू इसमें बैठा दीजिए, इसका वैल्यू इसमें बैठा दीजिए, ठीक है, आपका जो आंसर आ गया 3:2 आ गया। लेकिन ये जो तरीका है ना गलत किसी बात से है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन एग्जाम नौ पास करने वाला के लिए ही है, एग्जाम पास करने के लिए फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा, एक को पार किया 27 सेकंड में, एक को पार किया 17 सेकंड में, यानी ये सब लोग को पता होगा तो दक्ष का बना लीजिएगा, और दोनों को पार किया है 23 सेकंड में, 23 सेकंड यही दोनों काम करिएगा, यही दोनों काम का आंसर यहां आ काटिएगा तो 3:2 आ जाएगा आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई पूछा है। पहले तो देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन पार किया है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन मानिए ट्रेन हो गया, इससे आधी लंबाई वाली ट्रेन है, और एक ट्रेन जो है आधी लंबाई क्या है, मतलब इस ट्रेन की आधी लंबाई के लिए है, इस 200 होगा तो 100 होगा, 500 होगा तो कितना होगा, 250 होगा, मतलब आधा है। बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो विपरीत समय विपरीत दिशा में जा रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है, इसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, तो इसको 12 सेकंड में पार कर देता है, तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, तो एक के विपरीत दिशा में तो चाल क्या हो जाएगा, टूटेगा कि घटेगा, टूटेगा, तो 48 और 42 कितना हो जाता है 90 हो जाता है, तो 90 हो गया, ये दोनों के जोड़ दिए, चाल जोड़ दिए, चाल चाल यहाँ जोड़ दिए दोनों के, ठीक है, तो कितना हो गया 90, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बार 18 से गुणा कीजिएगा, मतलब नहीं तो डाटा भी पता है 18 पचे 90 तो 5 पचे 25, तो इतना के चाल से, इतना के चाल से कितना सेकंड में पार कर दिया है, 12 सेकंड में पार कर दिया है, गुने 12 चार गुने समय दूरी हो गया कि नहीं, और टोटल दूरी यहाँ तो दोनों के दूरी होगा, तो एक का दूरी है बड़ा और एक का दूरी है छोटा, एक का दूरी है इसका इसका दुगना इसका दूरी है, ठीक है, एक का दूरी मान लेते हैं बड़का को मान लेते हैं D1 दूरी, ठीक है D1, और छोटा का मान लेते हैं D2 दूरी मान लेते हैं, दूरी D से दूरी, ठीक है डिस्टेंस, ये इधर दोनों की दूरी हो गया, इधर भी दोनों की दूरी हो गया 18 5 90, क्या हो गया 50 25 पढ़ाइए कितना 300, 300 है, और एक बोला है एक जो है ना आधी लंबाई के है, 200 होगा तो 100 होगा, नहीं तो आप यहाँ देखिए D1 और यहाँ D2, बोला है पहला जो गाड़ी है ना दूसरी गाड़ी के दुगना है, मतलब दूसरी गाड़ी जो है ना पहली गाड़ी के आधी है, तो ये 2 होगा तो ये कितना 1 होगा, तो अनुपात में दोनों का दूरी कितना 3, जब पीरियड में निकाले हम लोग 300, अनुपात देख का वैल्यू 100, इसका हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा,
यानी पहली दूसरी छोटा गाड़ी की लंबाई 100, बड़का गाड़ी की लंबाई है 200, यहाँ से निकाल लिए। लेकिन आपसे रेलगाड़ी की लंबाई से नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्लेटफार्म की लंबाई। तो प्लेटफार्म की लंबाई पहली गाड़ी पार कर रहा है प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है। देखिए बोला है कि रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड पार कर जाती है, जो इसकी विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब पहली रेलगाड़ी जो है ना वो पार कर रहा है प्लेटफार्म की। तो प्लेटफार्म की लंबाई को पता नहीं, तो प्लेटफार्म की लंबाई हम लोग पी मान लेते हैं, प्लेटफार्म की लंबाई पी। और पहली ट्रेन, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितना है 200, यहाँ 200 मान ली, टोटल दूरी हो गया, इधर दूरी हो गया। अच्छा पहली गाड़ी की लंबाई चाल कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लेटफार्म को पार करने की समय दिया है 45 सेकंड, प्लेटफार्म को पार कर गया है। तो 45 सेकंड में प्लेटफार्म को जो पार किया होगा, तो दोनों के एक के लिए पार किया होगा, प्लेटफार्म और ट्रेन जो है वो दोनों का एक के पार किया होगा। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किलोमीटर में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में। अब 45 सेकंड में पार कर देता है, 45 से गुना कर दिए, 4 गुने समय दूरी हो गया। अब दोनों की दूरी इधर दिया हुआ है 9 गुने 18, 9 5 45, और दूसरे कर जाएगा 24 बार में 24 5 120, 120 5 600। इधर आ गया पी प्लस 200, इधर पी 200 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 600 में से 200 घट जाएगा तो 400। पी से माने थे प्लेटफार्म, प्लेटफार्म का माना आया 400, कैंसिल भी हुआ 400, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बी की ओर जाती है, 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बी से ए की ओर जाती है, दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूर पर मिलेगी। देखिएगा दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है, और दोनों जो है ना 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोनों स्टेशन, मतलब दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, ठीक है। एक गाड़ी ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और 30 मिनट बाद आधा घंटा बाद इधर से, मतलब 30 मिनट बाद इधर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ए की ओर आ रहा है। तब पूछा है कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूर पर मिलेगी, मतलब कि गाड़ी जा रहा है, जाते 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 कहाँ मिल जाएगा दोनों गाड़ी, तो यहाँ से मिलने का दूरी पूछा है। तो आप जानते हैं कि दूसरी रेलगाड़ी आधा घंटा बाद खुला है, आधा घंटा पहले ही खुला, तो आधा घंटा में कुछ न कुछ तो दूरी तय किया होगा ही, कुछ न कुछ तो दूरी तय किया होगा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, एक घंटा में 80 किलोमीटर पर दूरी तय कर रहा है, तो 80 किलो 30 मिनट में, 30 मिनट में तय की गई दूरी कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लिया, 40 किलोमीटर दूरी तो तय कर लिया कौन, पहले ही, यानी कि मान लेते इतना ही 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, ठीक है, 40 तय कर लिया। अब शेष दूरी कितना बचा, 180 ना बचा। अब 180 किलोमीटर दूरी को दोनों मिलकर तय कर लेगा, क्या अपने अपने चाल से, 100 के चाल से चलेगा, 80 के चाल से चलेगा, आधा घंटा बाद तो दोनों शुरू हो गया, आधा घंटा तो अकेले चल रहा, लेकिन आधा घंटा बाद दोनों एक बार शुरू हो गया कि नहीं, विपरीत है तो चाल जुटेगा घटेगा, जुटेगा 80 के चाल से, 100 के चाल से जा रहा है, चाल जुटेगा तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऊपर हो गया 180 किलोमीटर दूरी, किलोमीटर आई किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए मीटर में बदलना नहीं पड़ेगा कि दोनों समान ही होते हैं, से किलोमीटर किलोमीटर कर जाएगा 80 180 180 180, यानी एक घंटा में दोनों मिल जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है ए से कितनी दूर पर मिलेगी, यानी कि एक घंटा यह चला होगा, एक घंटा यह चला होगा तब जाके कहीं मिल गया होगा। तो ए से दूरी निकलना है, ए से दूरी मतलब मिला है, ए से कितनी दूर पर मिला है, तो बताइए 40 किलोमीटर तो ये अकेला पहले ही चल चुका था, 40 तो पहले ही चल चुका था, फिर बाद में एक घंटा और चला है दोनों गाड़ी, तो 80 तो एक घंटा में और चला होगा,
तो 80 और जोड़ दीजिए, यानी 80 40 120 किलोमीटर दूरी पर दोनों में ए से दूरी पर मिला होगा। ऑप्शन हमारे ए आपका राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आज का अंतिम क्वेश्चन। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वे किस समय मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ मिलने का समय पूछ दिया है। देखिएगा, ग्रुप स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है। एक चला है ए से 7 बजे, 7 बजे लेकिन चला है कितने की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और एक ट्रेन इधर से 8 बजे चला है, 8 बजे लेकिन चला है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो दोनों जो है ना 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोनों स्टेशन, और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। तो दोनों कितने समय बाद मिल जाएगी, देखिए ध्यान दीजिए, ई चला है 7 बजे आई चला है 8 बजे, तो इसके चलने से 1 घंटा तक ले अकेला चला होगा कि नहीं, यानी कि 1 घंटा में कितना दूर तय कर लिया होगा, 20 किलोमीटर, यानी कि मान ली कि इतना दूरी और 20 किलोमीटर तय कर लिया। अब शेष दूरी कितना बचा, 90 किलोमीटर बचा कि नहीं, 90 किलोमीटर की दूरी को ना अब दोनों मिलकर तय करेगा। और जब 1 घंटा ही चल गया तब तक दोनों ट्रेन एक बार खुलना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। समय पूछा है, और समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना बचा, 90 किलोमीटर में बचा। इसको पकड़ना शुरू कर दिया था विपरीत दिशा में, चाल छूटेगा, 25 20 और 25 45 किलोमीटर में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, सामान्य यूनिट में किलोमीटर किलोमीटर कर देगा, 45 90 2 घंटा बच जाएगा, 2 घंटा में मिल जाएगा। लेकिन पूछा है कितने समय मिलेगा, मतलब कितने बजे मिलेगा, 10 बजे, 7 बजे, 8 बजे से तो मिलना शुरू किया है, इधर पहले ही 1 घंटा चल गया है, 8 बजे से मिलना शुरू किया है और 2 घंटा लगा है, तो मिलने का समय कितना हो जाएगा, मिलने का टाइम कितना आ जाएगा, 8 बजे से 2 बजे चला है, यानी कि 10 बजे। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आज के लिए इतना है।